फिर हो के आ गई। हस्बैंड कहे कि चलना है तो जल्दी यार जो, तो मैं देखो इतनी जल्दी बाजू में गई कि जैसे बाल थे वैसे थे, ये कहे 1 घंटा लगेगा सजने में तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपको शाम को ही आने के पहले निकाला था, सोचो मैं गई तो उसके पास, उसने मुझे बोला कि तो अभी 8 बजे तक वो उसमें चावल कैसे पत्ता चावल से पत्ता चावल तो पानी से उठो चल बाबू उठो। देखो उठो नहीं तो मैम के पास वीडियो बनाई भेजोगे। मैम देखो बाबू जग रहा है। देखो मैम अयशी मैम देख रही हैं सिद्धार्थ अभी तक सो रहे हैं लेट थोड़ा स्कूल को, मैं सिद्धार्थ को जगा रही हूँ। सिद्धार्थ उठते ही देखो देखो उठ जा। अच्छा रो रो नहीं नहीं भेज रही नहीं भेज रही नहीं भेज रही भाई नहीं भेज रही कू कू करनी रोक नहीं। चलो उठ जाओ उठो उठो कि सर लेट नहीं कर सकते। सही बात है ठंडी में स्कूल को रुद्र आज जाके बोल दिया अपनी मैम को ना रेखा मैम को उठना। सिद्धार्थ सिद्धार्थ रो नहीं लगते। सिद्धार्थ दिखाओ देखो सिद्धार्थ को आप कैमरे की निगरानी में हैं। रोना नहीं रोना बुरी बात है। देखो उठो उठो लेट हो रहा है स्कूल नहीं जाना है उठना। गाइस आपको थोड़ी सी म्यूजिक सुनाते हैं। मॉर्निंग वाली म्यूजिक सुना है नहीं सुना आओ मैं सुनाती हूँ। पानी गर्म हो रहा है। तो गाइस किसके किसके घर में मॉर्निंग में ये वाली म्यूजिक चल रही है चलती है होता है क्या भाई। मेरा छोटा वाला तो बहुत छोटा है मुझे ऐसा लगता है ठंडी में और ज़्यादा छोटा हो जाता है। उठते ही रोना शुरू कर देता है। अब वो बाथरूम में बैठा है तब तक रोएगा नहाएगा नहाने के बाद वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ। किचन का थोड़ा सा वर्क है उसे कर लूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। आज अभी मेरा नहाना नहीं हुआ है क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो चुका था मुझे। तो मैं यहाँ पे पहले ये बथुआ और ये दाल थी तो उसे मैंने साफ़ करके रखा था। मैंने कहा मैं इसे रह देती हूँ पहले ये पकता रहेगा तब फिर मैं उधर जाके नहाऊँगी। मतलब कुछ काम होते रहेंगे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मतलब हस्बैंड बच्चे भी स्कूल चले गए और मैं भी अभी कुछ देर हुआ नहा के आए। सुबह से नहाए थे आज थोड़ा लेट हो गया था। अभी चलो खाना बनाने के लिए मैंने रख दिया है दाल रख दी है बथुए और उसकी पकने के लिए बथुए वाली दाल बना रही हूँ। चावल चुन के रखा है फिर नहा के आए तैयार हुई हूँ। मंदिर हो के आ गई। हस्बैंड कहे कि चलना है तो जल्दी यार जो, तो मैं देखो इतनी जल्दी बाजू में गई कि जैसे बाल थे वैसे थे, ये कहे 1 घंटा लगेगा सजने में तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं साड़ी पहन लेती हूँ और उसके बाद साड़ी वाली ब्लॉग आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बिना स्किप किए बने रहना। आज फुल डे की जो रूटीन है जो भी वर्क है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वाकई में एक बात है इतने सारे कपड़े मैंने ला दिए, जैकेट थी गर्म इनर थी टी शर्ट था और उसके बाद एक साड़ी में और ऊपर से नीचे से घूम के आ गया ना तो वो सारी ठंडी गायब हो जाती बिकॉज थे। और एक मिस्टेक मेरे से हुई है वो अभी आप वीडियो में देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएंगे। मैं मंदिर तो चली गई लेकिन मैं ना एक चीज़ करना भूल गई। तो कोई नहीं अभी आप लोग वीडियो में बने रहना। आज की जो फुल डे रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सारे घर अभी पहले पड़े हैं मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि ना जल्दी जल्दी फिर इन्होंने कहा चलना है तो चल लो। तो अभी सारे ऐसे वर्क पड़े देखे तौलिया भी किसी दादी की थी क्योंकि मैं बच्चे गए तो मैं नहाने चली गई थी। तो चलो कर लेती हूँ काम आप लोग वीडियो में बने रहना। तो मैं पहले इसको फैला के आती हूँ। मैं नींद तो रेगुलर टाइम पे गई थी मेरा अलार्म बजा मैं मोटर चला के आई। मैं आई थी सिद्धार्थ के पास फिर वो मतलब दोबारा से जगा रही मैंने कहा जगाऊंगी मैं सो गई मेरी आँख लग गई। फिर उठी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था तो मैंने सोचा पहले लंच बना लेते तो बच्चों का फिर उसमें अगर टाइम रहेगा जगाने के बाद। तो जब सोचो मैं गई हस्बैंड के पैंट दिए हैं रफू घर में मैं नहीं कर पाती क्योंकि वो फिनिशिंग नहीं आती तो उन्होंने शॉप पे उसी पैंट के लिए बात करें कि क्यों नहीं ले आई। तो वो गई थी पर वो दिया नहीं उसने बोला भी हुआ नहीं। मॉर्निंग में वैसे भी कितना जल्दी जल्दी दिन बीतता है कितनी भी जल्दी कर लो टाइम का पता नहीं। रात को जगाने आए तो फिर उसमें ना बच्चे थोड़ा सा इधर उधर करने लगते उसकी वजह से हो गया मुझे लेट। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी रिलैक्स हो गई। मैंने कहा कि ये लोग चले जाए उसके बाद ही नहाओ क्योंकि स्कूल जब दिन छोड़ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा लेट जाना आराम से बनाओ और अगर मंदिर चलना है तो जल्दी से फिर निकल चल लो। तो मैं फटाफट गई नहाई हूँ मैंने फिर दाल चढ़ा के नहाई क्योंकि पालक की और बथुए की दाल लोग कहते बनाना तो बड़ा आसान है दाल डाल दिया पक गया पर यार बड़ा टाइम लगता है। मैंने फिर दाल चढ़ा के और फिर मैं नहाने चल गई लेकिन उसके बाद भी अभी तक दाल नहीं पके वो थोड़ा सा कुकर में भी उनसे हो गया वो चूल और गैस से भी एकदम धीमा चल रहा है और उसके बाद इस कुकर से भी परेशान हो गए तक तो बन जानी चाहिए थी। नहाने गई थी तो मुझे लगा 2-4 सीटियाँ ही पक गया होगा तो मैं बंद करके मंदिर गई आई तो फिर उसको खोला तो देखा पता नहीं था।
पानी ऐसे गरम हो जाए उसमें चावल धुल के डाल दूं, पकेगा नहीं? थोड़ा सा पका रहेगा तो कुकर खुलेगा तो कुकर में डाल देंगे, क्या कहते हो? पक जाएगा थोड़ा बहुत, अच्छा मैं ट्राई करती हूं, क्योंकि ना फिर नहीं तो मेरी दाल ना बहुत देर लग रही थी, पकी नहीं थी, और फिर चावल भी पकाना था, इनको हो रहा था, टाइम हो ही रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी बन जाए क्योंकि सब्जी तो बनी थी, रोटी बना लेती तो 2 मिनट का काम, लेकिन दाल का पकना जरूरी था। तो मैं इनसे पूछने लगी वो वाली चावल कैसे पकती, जो अलग से बर्तन में जैसे टोप या पहले पकाते थे ना खुले बर्तन में, मुझे नहीं आता, तो इनसे मैं पूछी थी, क्योंकि अब ये इन्होंने एक दो बार ट्राई किया होगा, मुझे इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने अक्सर जब अभी तक खाना बनाया तो कुकर वाले में किया, तो ये मुझे बताया, तो मैंने इस तरीके से रखा, वाकई में ये पक गया। फिर लास्टली मेरा खाना बन गया था, इनको मैंने लंच दिया, मतलब ये डायरेक्ट नाश्ता में हैवी खा लिया, अब लंच वो नहीं ले जाएंगे, वो बस खाना खा के जाएंगे, बिकॉज़ ना थोड़ा सा उन्होंने भी प्रसाद खाया था, और उसके बाद आके यहाँ पे वो थोड़ा सा जब व्रत होता ना, व्रत के दूसरे दिन कल मंगलवार था, तो आज ना पूरा वो खाना ही खाते, और पालक की दाल तो उन्हें नहीं इतनी पसंद है, सपहिता मतलब पालक और बथुए वाली दाल, तो उस तरीके से वो उसको खाए, भरपेट भोजन करके जाते हैं दूसरे दिन नेक्स्ट दिन व्रत के। और यहाँ पे मेरा चावल लगभग पक चुका था यार, लगभग क्या पूरा पक गया था, मैं सोची थी शायद ना पके, लेकिन मैंने आज इसको ट्राई किया, ये हो गया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरीके से खुले बर्तन में पकाने का। तो यहाँ पे खा लिया, अब वो ऑफिस जाने की तैयारी, तो यहाँ पे मैंने रखने लगी दूध कि गर्म करूँगी, उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी। सच्ची बताऊँ तो आज ही मतलब कभी कभी हो जाता है, ठंड है तो लेट हो जाता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि रोज़ डेली मैं मॉर्निंग में चाय पी, तो आज मुझे चाय पीने में भी बहुत लेट हुई, तो यहाँ मैं अपने लिए चाय रख दूँगी। इनका क्या है, तो अपना खाना खा ली है, नहीं पियेंगे, नॉर्मल डेज होता तो ये चाय पराठा या कुछ मॉर्निंग में खा लेते, लेकिन जिस दिन फिर खाना खाते तो ये तो खाना खाते तो चाय पीते, तो इनका हो गया था। इन्होंने मुझे अभी याद दिलाया कि रोशनी तुम्हारे, मुझे लगा था कि हाँ ये थोड़ा सा कैसे हो रहा है, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो ठीक है पहले मंदिर रुक जाओ, नहीं तो फिर चिल्लाने लगेंगे कि इतनी जल्दी, और जल्दीबाजी में ऐसा हो गया था। फिर बाद में मैंने इसको देखा से तो मिरर में देखने में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक स्टाइल हो गया, और बाल भी वैसे जैसे बने थे, मैं वैसे बताई नहीं कि वैसे चली गई थी। ये चाय बनाई है, अभी तक चाय नहीं पिया था, चाय आज ग्लास में चाय लिया है, और ये मेरी पहली चाय है, अभी तक चाय नहीं पिया था, और क्योंकि ना मंदिर गई थी तो वहाँ से आने वो सीधा खाने बनाने में लगी, और लेट भी होने लगा मुझे, तो मैं चाय नहीं बनाई, मैंने कहा पहले इनको खाना दे दे, तो मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं, हो रहा है 9:45, अभी चाय पीऊँगी उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। वहाँ थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं इसलिए कुछ खाने के मन नहीं, थोड़ा सा बिस्किट की चाय, उसके बाद चाय खाऊंगी बस, उसके बाद बाकी देखते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे घर पर। आज ना आज एक दिन देर होता था, ऊपर से ये बोले थोड़ा सा मुझे लेट जाना, अगर मंदिर चलना था चलो, तो मैंने सोचा चलो होके आ जाते हैं, तो मतलब मंदिर के साथ चलूँ, अगर दो टाइम ज़्यादा होता तो ना जाती कैसे, तो आज ले जाना अगले ना। हाँ ये दूध वाला पतंजलि बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी ट्राई करना, बच्चों के लिए भी खुद खिला, तो चलो नाश्ता कर लेते, उसके बाद मिलती हूँ, चाय पी लूँ बस, और कुछ खाने को नहीं है, वहाँ पर थोड़ा पूरी सब्जी मिला था तो खा ही लेता, चाय पी लेते भी मिलती हूँ। तो गाइस आज सारा मेरा काम हो चुका है खत्म, और वीडियो बनाई थी कि बीच में मेरा मोबाइल का स्टोरेज हो गया फुल, अभी स्टोरेज हो गया फुल तो फिर सारे काम भी पाने के बाद, अभी स्टोरेज क्लियर करी हूँ, उसके बाद ट्राई करती वीडियो बनने के, तो मैंने कहा लास्ट की एंडिंग कर दूँ, नेक्स्ट ब्लॉग अब नेक्स्ट डे शेयर कर पाऊंगी, बिकॉज आज की ब्लॉग को यहीं पेंट करूँगी। अभी चलिए मुझे सिलाई करना है, जैसे उस दिन मैंने हाफ में दिखाती हूँ, तो इस तरीके से मैंने एक ब्लाउज लाया था ना, ये ब्लाउज ऑनलाइन मंगाया था, तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगा था, लेकिन वही कई बार होता था ना थोड़ा, मतलब वो डिस्काउंट किसी ने बोला कि अच्छा डिस्काउंट है तो मैंने मंगा लिया, इसमें पफ लगा हुआ था कटोरी, इसकी जो पफ नहीं यहाँ पे उसको मैंने निकाल दिया, बिकॉज ना वो थोड़ा मतलब वो नॉर्मल ऐसे ही लगाया था, नॉर्मल यूजिंग के लिए पफ बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो उसको निकाल दिया, मैंने कहा इसको पेन ऐसे सिल दूँगी, तभी मैंने इसको इस तरीके से हल्के टोक लगाए, इसको भी सेटिंग करूँगी, तो इसी में लगूंगी, तो मैंने सोचा पहले घर के काम करिए निपटा लूँ, उसके बाद करूँगी, तो और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा आज का ब्लाउज का जो मेरा ये बैग ब्लाउज है, ब्लाउज का ही बैग मैं मंदिर जाती थी जल्दीबाजी में, वो मतलब वैसे उल्टा हो गया था, लेकिन यार एक बात है उल्टा तो हो गया था, लेकिन ये बढ़िया डिजाइन का काम करता, देखो ये बढ़िया इसका लुक पीछे से बहुत ज़्यादा मीन्स लग रहा है कि आप देख लगा लगाओ कि ये बढ़िया वो डिज़ाइन में सिला हुआ है, और मैं ऐसे पहने रह भी गई, मैंने कहा अभी जब मुझे सिलाई करना है तो चेंज करनी, मतलब इसको चेक करना होगा तो फिर देखेंगे, फिर ठंड में यार बार बार फोन चेंज करने जाए, तो इसी वजह से आज सारी पहले पूरा घर का खाना भी बनाया, सारे काम भी सारे वर्क किए, और मैंने कहा इसको पहन भी लूँगी, क्योंकि मेरी स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो बाकी सूट नहीं हो पाई, तो खैर कोई नहीं अभी और करनी है, तो मैं इसी करूँगी सिलाई, तो इसलिए अभी की जो ब्लॉग है आज की ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, फिर फिर नेक्स्ट ब्लॉग में होप कि आज की ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी, तो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, एक प्रॉब्लम और होगी वीडियो बनाते समय ना, वो लास्ट में ना उसका स्क्रीन पता नहीं क्यों उस पर
कि उस पर टाइपॉड पे रखने की वजह से ना वो दूर की वजह से पता नहीं कि वो हाफ आता, वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन खैर कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में देखते फिर क्या सेम आता है कि नहीं, कई बार नोटिस किया है। तो चलो अभी आज के ब्लॉग को स्टॉप करते हैं, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, और मेरे वीडियो को मस्त करते रहे। बाय।